आज इस वीडियो में मैं आपको तुलसी के पौधे से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। पहला, तुलसी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए। दूसरा, तुलसी का पौधा किस दिशा में, डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और तीसरा, तुलसी के पौधे को किस दिन नहीं छूना चाहिए। ये जानकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो है, चाहे इंसान कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हर किसी के घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। चाहे अब ये पूजा पाठ के लिए हो या फिर तुलसी के औषधीय गुण के कारण, यानी कि जो वो मेडिकल, जो उसके लिए हम कहते हैं कि चाय में डाल के पियो या तुलसी का पत्ता से चबाने से हेल्थ इश्यूज दूर होते हैं, तो इस रीज़न से भी लोग तुलसी रखते हैं। तुलसी के पौधे को सबसे पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में ये पौधा होता है उसमें हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी का पौधा सभी हिंदू घरों के लिए अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि तुलसी के पौधे को वास्तु के अनुसार सही डायरेक्शन में रखा जाता है तो घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। साथ ही आपको तुलसी माँ के साथ साथ विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता है। तुलसी के पौधे को कुछ विशेष दिन पर ही लगाना चाहिए और कुछ ऐसे दिन हैं जिस दिन इस पौधे को छूना नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तुलसी का पौधा किस दिन आपको घर में लगाना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्र और वास्तु के अनुसार अगर देखा जाए तो तुलसी का पौधा घर में थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन लगाना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि थर्सडे का दिन जो है भगवान विष्णु का दिन है और तुलसी को विष्णु प्रिय के रूप में भी हम पूजते हैं। इसीलिए यदि आप थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार, गुरुवार के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके ऊपर सदैव भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। जब भी आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं, इस बात का ध्यान रखें कि ये अभिजीत मुहूर्त में जरूर हो, यानी अभिजीत मुहूर्त में पौधे को लगाएं। अभिजीत मुहूर्त हर दिन 11:21 दोपहर से 12:04 तक इसी आसपास आपको रहता है। बाकी आप पंचांग देख सकते हैं, किसी जो है कहीं पे आपको पता चल जाएगा कि अभिजीत मुहूर्त उस दिन का क्या है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बताती हूँ मैं आपको कि कौन सा महीना जो है वो तुलसी के पौधे के लिए शुभ होता है। तो अगर साल की बात कर ले, पूरे साल की, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने, कार्तिक का जो महीना होता है, ये तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और इसके सामने दीपक जलाया जाता है। अब बात करते हैं कि तुलसी के पौधे को किस दिशा में आपको जो है लगाना चाहिए। तो सबसे अच्छा इस ईशान कोण माना जाता है, यानी आप जो है इसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं, नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगाइए। साउथ डायरेक्शन में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो ये तो डायरेक्शन की भी बात हो गई। अब आपको बताती हूँ कि कब तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए। ये विशेष आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं आपको बता रही हूँ, कभी भी तुलसी के पौधे को सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद नहीं छूना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय तुलसी के पौधे का छूना जो है आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। शास्त्रों के अनुसार कभी भी रात के टाइम भी तुलसी को छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यदि इस पौधे का छूना जो है रात में किया जाता है, उसको स्पर्श रात में किया जाता है, तो घर में धन हानि के योग बनते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि तुलसी के पौधे को संडे और एकादशी के दिन भी छूने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार भी इन दिनों में तुलसी को छूने से घर में फालतू के झगड़े, लड़ाई, ये सब होने लग जाते हैं। तो मैंने इस छोटी सी वीडियो में आपको बताया किस दिन तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं, किस समय लगा सकते हैं, कौन सा दिशा शुभ है इसके लिए, कब तुलसी का पौधा जो है कौन से साल के महीने में सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है लगाना, और कौन सा जो है समय जिस समय आपको नहीं छूना चाहिए। तमाम जानकारी आपको तुलसी के पौधे से जुड़ी हुई मैंने आपको दे दी, क्योंकि तुलसी एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई और धर्म के लोग हो, हर घर में आपको तुलसी का पौधा मिल जाएगा। तो वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने आज आपको बहुत सारी खास चीज़ें बताई हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि तुलसी के बारे में अब आप नेक्स्ट कौन सी जानकारी चाहते हैं। एक और सवाल मैं आपको बता देती हूँ, रामा और श्यामा तुलसी के बारे में बहुत लोग जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। अगली वीडियो उसी पर है, बने रहिए धर्मा लाइफ के साथ। जल्दी ही मैं आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। नमस्कार।